हेलो गाइस, आज हमारे पास है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। तो पहला अपडेट है, मनोज पाटिल 5 वीक्स आउट है टेक्सास प्रो कंपटीशन से। मनोज ने अपनी फिजिक अपडेट पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे। और भी श्रेड दिखेंगे आने वाले हफ्तों में, लेकिन 5 वीक्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। मनोज ने अच्छे इम्प्रूवमेंट्स करे हैं अपनी बॉडी में। सबसे नोटिसेबल चेंज है इनके शोल्डर्स। अभी से 3D लुक आ रहा है इनकी बॉडी में शोल्डर्स की वजह से। बहुत ही वाइड लग रहे हैं और स्मॉल वेस्ट का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। ओवरऑल मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स की बॉडी है। जेनेटिक्स के साथ साथ बहुत पोटेंशियल है इनमें ओलंपिया के स्टेज पे जाने का। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। क्रिस बम्सेट क्लासिक डिवीजन के चैंपियन हैं। ये अब तक का हैवीएस्ट वेट है क्रिस बम्सेट का, 264 पाउंड्स। क्रिस ने इम्प्रूवमेंट्स की है गेनिंग में और वो अपने आप को अब श्रेड करेंगे। क्रिस बम्सेट बहुत ही एस्थेटिक एथलीट हैं। इनका स्टेज पे प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है। क्रिस का वैक्यूम पोज सबसे बेस्ट है करंट कॉम्पिटिटर्स में से। ऊपर आई में आपको लिंक मिल जाएगा इनकी वैक्यूम पोजिंग का। मुझे लगता है अगर सब ठीक रहा तो इस बार का ओलंपिया क्लासिक डिवीजन क्रिस ही जीतेंगे। तो अगला अपडेट है काई ग्रीन। काई मेरे वन ऑफ द फेवरेट बॉडी बिल्डर्स में से हैं, लेकिन वो ओलंपिया में कमबैक करने का दावा हर साल करते हैं और कभी नहीं आते। बहुत सारे इनके फैंस बिलीव भी करते हैं कि काई 2021 ओलंपिया में आएंगे, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो वापस ओलंपिया के स्टेज पे कभी आएंगे। अगर काई को स्पेशल इनवाइट मिलता है तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग एथलीट्स हैं जो डिजर्व करते हैं बट अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिल हीथ काई को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि काई कभी फिर से स्टेज पे नहीं आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।